मैं ना अभी इतनी एक्साइटेड हूँ, उत्कर्ष का वेट कर रही हूँ बेसब्री से, क्योंकि मुझे पता चला है कि आज के क्विज में वो फर्स्ट आया है और उसके कुछ वीडियो क्लिपिंग्स आई हैं मेरे पास। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। आज नागपंचमी है और मैं आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ शेयर करने वाली थी, लेकिन ना मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है। इस समय 3:15 बज रहा है, आता ही होगा, और मैं यहाँ बैठ के बालकनी में उसका इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही वो आएगा मैं उसको हग करूँगी, और ऑब्वियसली वो भी सबसे पहले माँ बुलाएगा। तो कितना प्रेशियस होता है ये मोमेंट, और ये जो इंतज़ार करने का जो वो हो रहा है ना, मुझे अंदर से मैं बता भी नहीं सकती कैसा लग रहा है। मुझे जब से पता चला है ना, तब से इतना अच्छा लग रहा है, किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है। और जल्दी से बस बच्चा मेरे पास आ जाए, मैं उसकी ढेर सारी पच्ची कर लूँ, और ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहे। क्या बोलूँ मैं, कैसा लग रहा है। और पता है इस क्विज में उसको उसके पापा ने पढ़ाया था, सो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो अकेले ले रहे हैं, लेकिन मैं हजम नहीं करने दूंगी, मैं भी लूंगी, क्योंकि रिवीजन तो मैं ही कराती हूँ। और कुछ भी हो, जब ऐसा कुछ बच्चों का पता चलता है, खासकर जब आपके पास स्कूल से फ़ोन आता है, तो आपका दिल ना बाग बाग हो जाता है। वो जो बाग बाग वर्ड है ना, वो मुझे फील हो रहा आ गया। मैं ना यहाँ पे छुपी हूँ, अभी वो ढूंढता हुआ मेरे पास आएगा। Congratulations, let's celebrations. Oh my God, तुम तो एकदम लुटे पिटे आए हो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तू कितना पचीना पचीना है बाबू। खूब खूब बधाई, मम्मा को पता चल गया कि अरे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ। बाप रे, ये क्या हाल बना रखा है। फर्स्ट आए हो, इतना इतना ठंडा ठंडा रिस्पॉन्स है, मम्मा तुमसे ज़्यादा एक्साइटेड है। अरे मेरा बच्चा, अच्छा हमको केक है, तुम्हारा बर्थडे थोड़ी है। अरे फर्स्ट आए बड़े, फर्स्ट आए हो तो मम्मा ने तुम्हारे आज का सर्टिफिकेट भी मिला है। और वो बुक मिली तुम्हें, जो गिफ्ट में मिली, आज भी बुक मिली है। हाँ, और कल भी मिलेगी। कल क्या है, कल साइंस की मिलेगी। कल साइंस की मिलेगी, अच्छा चलो आपको खाऊ खाऊ करा दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज जितना एक्साइटेड होकर मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है, वो तो आप लोग देख ही चुके हैं, और रीजन भी आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि उत्कर्ष जी आज के क्विज में फर्स्ट आए हैं। और सबसे ज्यादा खुशी हुई मुझे वो क्लिपिंग देख के या फोटोज देख के, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह कि कैसा सेटअप होता है, कैसा क्या होता है, मुझे वो देखने को मिल जाता है तो और ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत खास है, आज का व्लॉग नहीं, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। खास क्यों है ये बताएगा। आज मैं साइंस क्विज में फर्स्ट आया हूँ। नहीं, आज नागपंचमी नहीं, आज नागपंचमी है और आज के दिन ही मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया था। ये इतना गधा है दोस्तों, इसने आते ही मुझे याद दिलाया कि मम्मा आज आपने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, और देख लो ये अपने फर्स्ट प्राइज से नीचे आ ही नहीं रहे हैं। मेरा भी तो ब्लॉग का फर्स्ट ब्लॉग आज बना था, और आज से ही मैंने शुरुआत की थी। हर नागपंचमी पे मैं मतलब इस बात को याद करती हूँ। आज शायद चौथा साल चल रहा है, शायद काउंट करके बताऊंगी, भूल गई, लेकिन हाँ नागपंचमी जब भी आती है तो मुझे याद आता है कि कैसे मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया था। उत्कर्ष छोटू सा था, मैं अपने रूम में बैठी थी, पूजा इसको सिखाती थी उस टाइम पे, और यही करता था, हम लोग नाग नागिन की पूजा करते थे दोनों, मम्मा बेटू, और दोनों बैठ के कमरे में। छोटू सा मैं तब बहुत डरती थी कैमरे के सामने, बहुत, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें सुनी थी कि लोग ऐसे यूज करते हैं, कोई भी महिला ऐसे बैठ के बात करती है तो उसके फेस को ब्लर करके अजीब अजीब से साउंड डाल देते हैं, कुछ भी मतलब गंदे गंदे वर्ड्स डाल देते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, तो मुझे ना बहुत डर लगता था। और हस्बैंड के पास तब भी टाइम नहीं था, वो बोलते ज़रूर थे कि ठीक है तुम चैनल खोलो, जो करना वो करो, सावधानी बस रखना, लेकिन वो साथ नहीं आते थे। साथ कौन रहता था, मेरा बेटू। तो वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जीरो था, फिर लगता था कि ब्लॉग तो बना रही हूँ, इसे देखेगा कौन, घर के मेंबर्स के अलावा अगर कोई बाहर का देखता था तो मुझे इतना अच्छा लगता था। और उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स थे जो मुझे सिखाते थे कि अंकिता दी आप सब्सक्राइब करने नहीं बोलती हैं, अंकिता दी आप वेलकम नहीं करती हैं, आप अपने ब्लॉग में वेलकम किया करो, आप ये किया करो, आप वो किया करो। उन सबकी मेहनत का आज परिणाम है कि मैं धड़ल्ले से बोलती हूँ और चुप नहीं होती। सो डबल खुशी है आज के दिन की। और आज सावन सोमवार भी है, और हर सावन में मैं रुद्री ज़रूर करती हूँ,
और इस बार मैं वेट कर रही थी कोई अच्छे से सोमवार का, मैं इंतजार कर रही थी, बट एक तो कभी टाइम नहीं, कभी हेल्थ नहीं, कभी कुछ, तो आज से अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। एक तो नागपंचमी, उत्कर्ष भी अच्छी अच्छी गुड न्यूज लेकर आए हैं, और आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, मौसम खुला हुआ है, क्योंकि जब आप रुद्री करते हो ना, थोड़े भीग भाग जाते हो, गंगा जल तो ये दूध वो दूध गुलाब जल जाने क्या क्या इधर उधर करते करते थोड़ा सा तो हो ही जाता है। तो आज हम लोग शाम का टाइम मैंने रखा है रुद्री के लिए, ताकि उत्कर्ष थोड़ा सा रेस्ट कर लें। हम लोगों को 1.5 घंटा लगता है रुद्री करने में। पूरा सेटअप मैंने बिल्कुल तैयार करके रखा है, बिलपत्र वगैरह सब मंगा लिए हैं, दूध जल सब कुछ आ चुका है, और पंच जल तो मैं इकट्ठा नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ गंगा जल, नर्मदा जल और गुलाब जल और दूध, बस इतनी चीज़ें होती हैं। गन्ने का रस कभी कभार मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करती हूँ। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि कई लोगों ने कई बार पूछा है, मैं शर्मा जाती हूँ इसलिए नहीं बताती हूँ, मैंने व्रत नहीं किया है और मैं सावन सोमवार का व्रत नहीं करती हूँ। पहले कभी किया करती थी, जब से मैं बहुत एक्सट्रीम में बीमार पड़ी हूँ तब से मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ दोस्तों। पता नहीं क्या होता है, मुझे अंदर से चक्कर आने लगते हैं, मतलब अजीब सा फील होता है, मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, मुझे कुछ चाहिए, और मेरा जो टाइम टेबल है उस हिसाब से अगर मुझे कुछ अंदर फीडिंग नहीं मिलती है तो मेरे हाथ पर, मतलब सब साइकोलॉजिकल है लेकिन है, अब सेटिंग ऐसी बन चुकी है। तो जो मेरा गणेश चौथ का व्रत होता है उसमें भी मेरी एकदम सेटिंग है कि इतने बजे मैं ये चीज़ ले लेती हूँ, लेकिन सावन सोमवार हर हफ्ते पड़ता है, फिर कुछ ना कुछ घर में ऊपर नीचे हो जाता है, हेल्थ में भी कभी कुछ लगा है कभी कुछ लगा है, तो इस चक्कर में मैं ऐसा कोई व्रत नहीं करती हूँ। गणेश चौथ जो मैं करती हूँ, संकट चौथ, वो महीने में एक पड़ती है तो वो मुझसे सद जाती है, बट हर हफ्ते ये सब मैं नहीं कर पाती। मैं सिर्फ पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, श्रद्धा भक्ति से आप जितना जो अर्चना कर लीजिए, भगवान को याद करते रहिए, मंत्र जाप कर लीजिए, मेरा अब उसी पे ज़्यादा विश्वास हो गया है। तो जो लोग मुझसे कह रहे थे कि अंकिता जी आप कभी व्रत की बात नहीं करती हैं, तो इसी वजह से नहीं करती, क्योंकि अंकिता जी जो है व्रत नहीं करती हैं। आज सोचा तो था मैंने पहले कि आज मैं व्लॉग की भी छुट्टी रखूंगी, व्लॉग नहीं बनाऊंगी, बट समहाउ कुछ भगवान जी को मंजूर और होता है। वैसे भी मंडे को मेरा व्लॉग नहीं जा पाया है, यानी कि आज की डेट में मेरा व्लॉग सुबह नहीं जा पाया है, कुछ इशू हो गए थे, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी, तो बना बनाया व्लॉग मेरा रह गया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत सुना सुना मुझे भी लग रहा था, और मुझसे कई लोगों ने मैसेज करके पूछा कि दीदी आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, भाई क्या हो गया, बीच में संडे था फिर ले लिया आपने लंबी छुट्टी। तो उनको तो मैंने पर्सनली बता दिया क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे भी बहुत खाली खाली लग रहा था। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं, आज का दिन पूजा पाठ को समर्पित कर रही हूँ, और आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्या हुआ, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए जाएंगे, लेकिन जाने से पहले आप सब मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ दोस्तों, इसे आशीर्वाद दीजिएगा और मुझे जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाय 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।